ज्योति शुक्ला उसको तुरंत बदतमीजी किया, एक झापड़ खींच के मारा और उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो तुरंत बदतमीजी करने लगा। झापड़ किसने मारा? तुम्हारे योगेश शर्मा खुले आम शराब पिए पड़े पी के घूम रहे हैं, क्या ऐसा होता है? ऐसे सदर विधायक हैं? मैं कह रही हूँ मुझे शर्म आती है, वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, मुझे शर्म आती है। अभी थोड़े दिन पहले अभी कभी सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में खुले आम कह रहा था मैं दरुआ हूँ मैं खून नहीं पीता हूँ। सबसे ज्यादा बालू का ठेका, ये ठेका वो ठेका, बहने बेटियां निकलना मुश्किल है। मैं प्रत्याशी हूँ, सामान्य तरीके से मैं गई, मैं अपने पति के साथ भी नहीं गई, मैं अकेले गई थी। उसके साथ एक हमारी महिला को, मैं साथ जो जा रही थी उसको तुरंत बदतमीजी कर रहा था। कब तक बर्दाश्त करें? बर्दाश्त की सीमा है, सीमा इतना ज्यादा बर्दाश्त भैया बर्दाश्त नहीं होता है। और अभी मैं यहाँ चुनाव हार के चली जाऊंगी, अगर इसको टेस्ट करा लिया जाए, अगर शराब न पियो तो मैं लखीमपुर छोड़ के चली जाऊंगी, मेरा ये बात वादा है। क्या ऐसे ही एक सदर विधायक ऐसे कृत्य है? इसको कब तक इसके, अभी थोड़े दिन पहले अभी सांसद टेनी भाई साहब को हराया, नगर पालिका हराया, सब बदतमीजी पर रिकॉर्ड बनाए हैं। भाजपा में रह करके कमल के फूल को लेकर, कमल के फूल को इसने पैर के नीचे कुचलता है। कहाँ निकल गए? बैठाले का है भाई, कहे बैठाले जानकारी मिली आपको? देखिए वाद विवाद की जानकारी मिली, जिस संबंध में मैं आया हूँ, हम जांच कर रहे हैं क्या चुनाव के अर्बन कोऑपरेटिव पूरे मामले को गंभीरता से यार आगे का ये में
जो आवश्यक कार्रवाई है। सर सभी अधिकारियों ने कहा था कि सर चुनाव की तैयारियां नहीं है, सर क्या लगता है तैयारियां नहीं थी, उसके बाद अवगत कराया गया, उसके बाद भी सर चुनाव आखिर क्यों नहीं, मतलब वो हुआ सर रात में ही पता चल गया था कि यहाँ पे तैयारियां नहीं है। भाई आपकी पुलिस ने वो सारी चीजों की हम नहीं, सर पुलिस आपकी पुलिस ने तैयारियां नहीं है, सर कह दिया था कि तैयारी नहीं है, फिर क्यों नहीं एडीएम साहब आखिर तक नहीं बता पाए। देखिए बहुत सारी जानी चीजों पे हम अभी वर्तमान में कमेंट्स नहीं दे सकते, अभी जस्ट मैं आया हूँ, मुझे सभी संबंधित से बात कर लेनी थी। सर विधायक के साथ घटनाक्रम जो होगा क्या कार्रवाई की जा रही है, सर विधायक के साथ जो घटनाक्रम हुआ है क्या कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई क्या की जाएगी, कार्रवाई क्या की जाएगी, आई जी साहब सारे बिंदुओं को उसको देख रहे हैं, उन बिंदुओं के फाइनल रिजल्ट्स पे तो आने दीजिए, क्या हुआ क्यों हुआ। सर ये नहीं लगता देखिए इंसानों इन फेलियर के मामले में प्रशासन के फेलियर के बारे में हम कमेंट तभी कर सकते हैं जब हम पूरे सारे फैक्ट्स को जान लें। क्या मैटर है सर विधायक की पिटाई के मामले को पुलिस कितनी गंभीरता से ले रही है, विधायक की पिटाई की जा रही है साफ वीडियो में दिखाई पड़ा था, वो देख रहे हैं हम सारी चीजों को देख रहे हैं, उसमें कैसे हुआ क्या हुआ क्या घटना हुई उसकी पूरी जांच की जाए। आई जी साहब सत्ता पक्ष के विधायक की चले और एक हुआ आज अभी जब हमें मालूम चला कि हमारे कार्यकर्ता बंधु जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे पर्चा लेने आए, पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ लिया, और फिर जब मैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, तो कम से कम मेरा गिरेबान अवधेश सिंह वकील है जो हमेशा जिंदगी भर जिन्होंने केवल दलाली की, इसके अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहा, और आज उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है, इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को मिला। आपको भी पीटा, आपके समर्थकों को भी पीटा है, क्या लगता है किस तरह से लोग ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, जब मैं आया यहाँ पे तो अजर्रा पर्चे जो भी अंदर से आम आदमी पर्चा लेके जो आम इस बैंक का जो फाउंडर मेंबर है वो पर्चा लेके आ रहा था, उनके पर्चे तक फाड़ दिए गए, ये बताइए अब आप नहीं प्रशासन में जब आया तब उसके बाद में एक्टिव हुआ, इससे पहले पता नहीं कितने लोगों के पर्चे फाड़ दिए गए, अभी हमारे सेक्टर संयोजक गांधी जी आए थे उनका पर्चा फाड़ दिया, राजू अग्रवाल जी का पर्चा फाड़ दिया गया, और ये देखिए हमारे हमारे साथ में थे हेमू भैया, इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, सर पर चोट देखिए क्या लग रहा है, यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, क्या निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, ये आप देखिए रहो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हुआ था आज दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव के डेलीगेट्स का नामांकन चल रहा था, जिसके दौरान दो पक्षों के बीच कहासुनी विवाद हो गया, मौके पर पुलिस द्वारा समझा बुझाकर उनको अलग किया गया, मौके पर कानूनी व्यवस्था सामान्य है।